India is bracing for tropical cyclone. बीच बालासोर में ये चक्रवात तूफानी हवाओं और भारी बारिश के साथ समुद्र तट को पार करेगा। बालेश्वर उड़ीसा। उन्नीस सौ 1999 में आया तूफान ये भारत देश का सबसे अधिक मात्रा में तबाही मचाने वाला तूफान भी माना जाता है। ये तूफान का नाम था दोस्तों सुपर साइक्लोन, जो उड़ीसा के तट से टकराया था 1999 में। इस तूफान में दोस्तों बहुत अधिक मात्रा में जान और माल का नुकसान देखने को मिला था और इस तूफान में लगभग 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। इतना भयंकर तूफान आने के बाद उड़ीसा गवर्नमेंट ने बहुत से ऐसी योजनाओं का गठन किया, जिस कारण से अब तूफान तो आता है पर इतने लोगों को नुकसान नहीं होता है। माल का नुकसान तो जरूर होता है पर जान बचा लिया जाता है। एक गरीब राज्य होने के बावजूद भी ये राज्य बहुत अच्छे से तूफान बाढ़ को मैनेज कर लेता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रजा और आप देख रहे हैं रजा टैपिंग। तो जैसे कि दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में आप देखे थे कि हम टाटा से बालेसर आ रहे थे, तो बालेसर आने के बाद दोस्तों यहां पर लॉकडाउन लग गया जिस वजह से हम निकल नहीं पाए और अभी कल ही तूफान गया यस, जिसके जाने के बाद में आज क्या नजारा है आपको बालेसर का आज हम वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, अगर पसंद आया तो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अभी जो आप नज़ारा देख रहे हैं वीडियो में, ये 27 तारीख का है। ये बात याद रखिएगा, ये वीडियो तूफान के एक दिन बाद का वीडियो है। तूफान आया था 26 तारीख और मैं ये वीडियो जो अभी शूट कर रहा हूँ ये 27 तारीख का वीडियो है। तूफान जिस दिन आया था उस दिन का वीडियो आपको इसी वीडियो के लास्ट में मिलेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो वीडियो ये 27 तारीख का है, तूफान के एक दिन बाद का। और दोस्तों मैं भी फिलहाल गड़गड़िया और FM कॉलेज रोड की तरफ में ही हूँ और अभी मैं पेट्रोल पंप पार कर रहा हूँ। दोस्तों कल मैं बहुत से दोस्त लोगों का स्टेटस में देखा था कि FM कॉलेज का कांच वंच टूट गया, उसके बारे में वो क्या स्टेटस में डाले थे। तो चलिए जिस कॉलेज में पढ़े उसी कॉलेज के बारे में कुछ आपको बता देते हैं आज और उस कॉलेज का भी नज़ारा आपको दिखा देते हैं। कॉलेज का थोड़ा रीडेवलपमेंट किया जा रहा है फिर से और देखिए ये सामने में जो नया बिल्डिंग बना था वो टूट के पूरा चूर चूर हो गया, तो हवा का अंदाज़ा आप लगा सकते हो दोस्तों कितना तेज़ होगा। FM कॉलेज है और तूफान में FM कॉलेज का असर किया, आप देख सकते हैं ऊपर में जो खिड़की लगा है ये जो कांच का लगा था ये पूरा टूट के चूर चूर हो गया। हवा इस साइड था ना तो इस वजह से पूरा टूट गया है। कॉमर्स ब्लॉक में तो पूरा कांच वांच टूट के उसका हालत ख़राब हो गया है। चलिए देखते हैं साइंस ब्लॉक में जो मेन ब्लॉक है उसका नज़ारा अंदर से कैसा दिखता है और अंदर में कुछ अगर नुकसान पहुंचा है कि नहीं पहुंचा वो भी आपको वीडियो में चलिए दिखाते हैं। गेट तो खुला है, अभी कोई सिक्योरिटी भी नहीं है तो शायद मुझे अभी कोई रोकेगा नहीं यहाँ पे। अभी जब देख रहे हैं दोस्तों ये फील्ड, ये FM कॉलेज का फील्ड है, अभी तो बहुत घास उस बढ़ गया क्योंकि अभी दो साल से कॉलेज खुले ही नहीं है क्योंकि अभी जो वायरस है उसके वजह से ये लॉकडाउन लगा हुआ है। और यहाँ पे हम लोग बैठ के पूरा मस्ती करते थे नहीं परवेज, DSLR का हम लोग का फास्ट फूड नहीं हुआ था तो, लेकिन अभी बहुत सब कुछ बन गया है। आप देख सकते हैं उस तरफ बिल्डिंग जो आपको दिख रहा ना तो क्या नया नया बन गया है। हम लोग के टाइम में सब कुछ नहीं था, अभी भी अभी सीढ़ी दिख रहा परवेज, हम लोग टाइम था क्या चलिए अब चलते हैं सीधा हम पुलिस लाइन की तरफ। पुलिस लाइन से हम लेकर जाएंगे ITI की तरफ में। तो दोस्तों जैसे भी आप देख सकते हैं कि इतना भयानक तूफान आने के बाद भी देखिए रोड को कितना क्लीन कर दिया गया NDRF टीम के द्वारा। और जैसे कि लगता है कि उड़ीसा गवर्नमेंट जो है ना वो तूफान के लिए हमेशा रेडी रहती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही तूफान आते रहता है। आप यकीन नहीं मानिएगा 3 साल से कंटिन्यू तूफान यहाँ पर आ ही रहा है, इसके बावजूद भी उड़ीसा गवर्नमेंट हमेशा प्रिपरेशन में बहुत बहुत स्ट्रांग रहता है। इस बार भी लाखों लोगों को समुद्र तट से शेल्टर समय शिफ्ट किया गया। शेल्टर वो होता है दोस्तों जहां पर तूफान आने के समय लोगों को वहां पर शिफ्ट किया जाता है। अभी जो आप देख रहे हैं ये ITI है और इसे लायन क्लब्स के द्वारा बनाया गया है। और अभी ये जो रोड जा रहा है ये कुरोड़ा की तरफ जाता है, ये हाईवे पकड़ लेता है डायरेक्ट NH हाईवे से ये रोड को कनेक्ट किया गया है। पुलिस जनों भी दोस्तों आपको लाइन क्लब्स के द्वारा एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ देखा मिल सकता है। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस खड़ा होते हैं
और जैसे कि अभी आप देख सकते हैं इस साइड में आपको लजीज पिज़्ज़ा और बहुत सा फूड का स्टोर भी मिल जाता है। और अभी जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये यहाँ पे एक नया ब्रिज बन रहा है। और चलिए आप चलते हैं सीधा स्टेशन की तरफ। और दोस्तों स्टेशन छक में आपको ये वाला एक क्लब का मिलता है। ये कौन सा क्लब है रुकिए मैं आप दिखाता हूँ। हाँ ये दोस्तों ये रोटरी क्लब के द्वारा बनाया गया है। और यहाँ से आप अगर लेफ्ट लीजिएगा तो डायरेक्ट आप स्टेशन चले जाइएगा। स्टेशन में जो पेड़ गिरा दोस्तों ये भी मैं कल व्हाट्सएप में ही देखा था, उसी को देख के मैं यहाँ पे आया हूँ। तो आप देख सकते हैं भयानक किस्म का ये पेड़ गिर गया है यहाँ पे। और अभी काट के थोड़ा रास्ता है निकाल दिया, कल तो पूरा यहाँ पे ब्लॉक था, आप एकदम आना जाना भी नहीं कर सकते थे। आपको जड़ देख के समझ में आ रहा है दोस्तों कितना मोटा जड़ है और कितना बड़ा गाछ था जो गिर गया। तो सोचिए हवा कितना ही तेज हो गया यहाँ पे। स्टेशन के पीछे का हाल देखिए दोस्तों, पेड़ गिर क्या हुआ है। स्टेशन का पीछे गेट जो है ना उसी तरफ का है, ये पेड़ गिर के हुआ, इसमें एक जन का कहीं मौत भी हो गया सुनने मिल रहा है। अभी मैं स्टेशन चौक से लेफ्ट लिया, लेफ्ट लेकर अभी मैं सीधा जा रहा हूँ फकीरगंज गोलाई के तरफ में। और आप इस रोड पे दो एक पार्क देख सकते हैं और एक मूवी एक्स भी आपको इस रोड पे मिल जाता है। और इस रोड पे आपको बहुत सा ऐसा होटल भी मिलता है जहाँ पे आप आराम से खाना खा सकते हैं। लेकिन अब दोस्तों कुछ नोटिस किए हैं क्योंकि इतना बड़ा तूफान आने के बाद भी अभी भी देखिए सप्लाई बिजली का था वो भी 24 घंटे के अंदर यहाँ पे दे दिया गया। इतना बेहतरीन काम यहाँ पे उड़ीसा गवर्नमेंट करता है ना, आप यकीन नहीं मानेगा। समुंदर के किनारे ही बालेश्वर समझ लीजिए बसा हुआ है, इसके बावजूद भी यहाँ पर हर तरह का टीम जो है ना वो एक्टिव रहता है हर दम पे। सर यूट्यूब सर, यूट्यूब सर, सोशल मीडिया। आप देख रहे हैं दोस्तों पुलिस वाला हम लोग फोटो उठा के लेके गया है, पूछ रहा था रिपोर्टर हो गया, कौन से रिपोर्टर हो। तो हम बोले कि ये रिपोर्टर नहीं, हम यूट्यूब चलाते हैं और हमारा यूट्यूब में चैनल है। लॉकडाउन का समय है ना दोस्तों, तो अभी ऐसा गाड़ी लेके निकलना सही नहीं है, फिर भी चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं आके। और अभी फ़िलहाल मैं अभी जा रहा हूँ फांडी चौक की तरफ में। और अभी आप देख सकते हैं साइड में एक चिल्ड्रन पार्क भी है। और आपको यहाँ पर बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा मार्केट देखने को मिल जाता है ओवरब्रिज के नीचे। और आपको यहाँ पर मोबाइल का बहुत सा दुकान मिलता है, सुदाम गली नाम से जाना जाता है इस गली को भी। लगभग दोस्तों मैं अभी 80% जो टाउन के ऊपर है जब बालेश्वर उसको मैं कवर कर लिया वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों मेरे को कहीं भी इतना बड़ा नुकसान देखने को नहीं मिला, नॉर्मली मिला इतना बड़ा देखने को नहीं मिला। क्योंकि दोस्तों जो तूफान था ना वो बाहनगर खंतापड़ा नीलगिरी होते हुए वो रेमुना होते हुए वो उदड़ा होकर बारीपता देखते हुए वो जमशेदपुर की तरफ चला गया। और जैसे कि दोस्तों अभी भी मेरा रिसेंट में अभी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ अभी रिसेंट में मेरे कुछ दोस्त लोग मेरे को फोटो भेजे हैं कि जमशेदपुर में कुछ इलाकों में बाढ़ आ गया है क्योंकि उस समय पानी बहुत ज़ोरदार हो रहा है। जमशेदपुर सिटी के ऊपर नहीं, जमशेदपुर आउटसाइड एरिया में पानी बड़ी जोरदार वहाँ पे देखने को मिल रहा है। और हाँ दोस्तों आप सब जो न्यूज़ में सुन रहे थे बालेश्वर 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 एक डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, और मैं जिस जगह वीडियो बना रहा हूँ वो बालेश्वर टाउन के ऊपर में, तो ये बहुत बड़ा एरिया है। तो इसका जो विलेजेस एरिया उस तरफ पे बहुत ज़्यादा तबाही हुआ है। हाँ ये सच है, उस जगह पे तबाही बहुत ज़्यादा हुआ है क्योंकि जो समुद्र का पानी था वो विलेजेस सब के अंदर आ गया है। तो चलिए अब आपको समुद्र के किनारे का कुछ वीडियो आपको दिखाते हैं। अभी अभी ये ज्वार देखे सोचेगा कि ये दीघा यार ये पूरी है क्योंकि हमेशा ऐसा ज्वार आपको दीघा पूरी में ही देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों नहीं, आप बिल्कुल गलत है, ये चांदीपुर है। और यहाँ पर इतना ऊंचा ऊंचा लहर आ रहा है इस वजह से आप देख सकते हैं यहाँ का जो दुकान वकान है वो सब कुछ टूट चुके हैं और हवा भी बड़ी तेज यहाँ पर अभी चल रहा है। अक्सर दोस्तों ऐसा आपको सी बीच पर नज़ारा नहीं देखने को मिलता है क्योंकि ये सी बीच में हमेशा पानी बिल्कुल शांत रहता है और 2 से 3 किलोमीटर अंदर ही रहता है।